हेलो दोस्तों, मैं हर्षिता और आप देख रहे हैं ट्विंस माई वर्ल्ड। बहुत दिनों से मेरे मन में एक सवाल था कि क्या कोरोना वायरस का असर एक प्रेग्नेंट महिला में कितना ज़्यादा हो सकता है। तो कुछ जानकारी से मुझे ये पता चला कि कोरोना वायरस के जितने भी केसेस अभी तक दर्ज हुए हैं उनमें प्रेग्नेंट महिला के कोई भी ऐसे केस दर्ज नहीं हुए हैं। प्रेगनेंसी में जो महिला की जो इम्यून सिस्टम होती है वो थोड़ी सी वीक हो जाती है, उनको बहुत जल्दी वो प्रोन हो जाती हैं, वो कैच कर लेती हैं। इसी तरह से कोरोना वायरस कैच करने की भी चांसेस कई ज़्यादा हैं, लेकिन अगर कुछ सेफ्टी मेजर्स या कुछ प्रिकॉशंस का वो ख्याल रखें तो इस कोरोना वायरस से वो बच सकती हैं। क्योंकि अभी तक कोरोना वायरस के कोई भी परफेक्ट ट्रीटमेंट या इलाज या एंटीडोट कह सकते हैं वो अभी तक नहीं ईजाद हुआ है। विश्व के सारे जितने भी रिसर्चर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, हर एक दिन ये प्रयास कर रहे हैं कि जितने भी जल्दी हो सके उस चीज़ की एंटीडोट मिले, आप लोग सब कोई सेफ़ हो जाओ जल्दी से जल्दी, लेकिन अभी तक इस चीज़ का ट्रीटमेंट नहीं मिला है। इसके बचने का सिर्फ एक ही उपाय है कि आप खुद को आइसोलेट करके रखें। 22 मार्च को पीएम मोदी जी ने जो जनता कर्फ्यू लगाया था उसका सिर्फ मेन वजह यही है कि ये संक्रमण जो है वो चेन को ब्रेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि इसीलिए उन्होंने 21 दिन तक के भी लॉकडाउन के लिए एक कंप्लीट कर्फ्यू का ऐलान किया है, जिसका हमें सबको को सपोर्ट करना है। अभी बात ये आती है कि उन्होंने 21 दिन का कर्फ्यू क्यों लगाया, क्यों 21 दिन, ऐसा क्यों है? बिकॉज देखिए, ये कहा जाता है कि ये जो संक्रमण अगर किसी इंसान को हो जाता है तो उसके शरीर के अंदर सिर्फ ये 14 दिन तक एक्टिव रहता है। ये जो संक्रमण है 14 दिन तक ही एक्टिव रहता है, उसके बाद इसका असर कम होने लगता है। तो ऐसा माना जाता है कि अगर जो भी केसेस पहले हो चुके हैं अगर वो उतने ही पे रह जाएं, आगे और ज़्यादा नहीं बढ़े, तो इस चेन को ब्रेक करने के लिए जो आइसोलेशन का उन्होंने जो सजेशन दिया है पीएम मोदी जी ने, कि कंप्लीट 21 दिन तक लोगों को अपने घरों से नहीं निकलना है। इससे होता क्या है कि जितने भी लोग हैं सबको अपने अपने घर में रहेंगे, बाहर कोई भी नहीं निकलेगा, तो जो इन्फेक्टेड पर्सन है उनके अंदर ये बीमारी वहीं तक रहेगी, आगे दूर तक नहीं फैलेगी। इस चेन को ब्रेक करने के लिए ही जनता कर्फ्यू जैसी चीज़ें लागू हो रही हैं, जिनका पालन हमें पूरे दिल से करना चाहिए। और आपको भी इस चीज़ की सैंक्टिटी पता होनी काफ़ी ज़रूरी है। रही बात प्रेगनेंसी की, तो अभी तक ऐसी कोई न्यूज़ नहीं मिली है, जो कि एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है कि अभी तक कोई भी महिला इस चीज़ के चपेट में नहीं आई है और इसका असर होने वाले बच्चे तक भी नहीं पहुंचा है। बच्चा भी काफ़ी सेफ है, अभी तक कोई ऐसी न्यूज़ नहीं आई है, लेकिन अपने आप को आप सेफ कर सकते हैं। जो भी WHO की गाइडलाइंस है या फिर जितने भी NGOs आपको ये सारी चीज़ें बताते हैं कि आप किस तरह से अपने आप को कोरोना वायरस से बचा सकते हैं, तो उनमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो प्रिकॉशंस हैं वो है अपने हाथों को बहुत अच्छे से धोएं, 20 से 30 मिनट के अंतराल पर हमेशा अपने हाथों को अच्छे से साफ करें। जैसे भी अगर आपको गलती से भी आपके हाथों पर वायरस टच भी हो गया है तो वो तुरंत वाइप आउट हो जाएगा, और आपको अपने गंदे हाथों से अपने आँख, नाक, मुंह वगैरह को टच नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये वायरस डायरेक्टली आपके शरीर के अंदर चला जा सकता है या फिर नुकसान होने का चांसेस बढ़ता है। और जितना हो सके आप सोशल डिस्टेंसिंग का सहारा लीजिए, लोगों से कम मिलिए जुलिए। लोगों, आप देखिए, आप अगर आप परिवार में भी रहते हैं तो थोड़ा सा 1 मीटर 2 मीटर के डिस्टेंस पे ही आप रह के बातें कर सकते हैं। इसका कोई इलाज नहीं है, आप बचाव ही कर सकते हैं। और रही बात जो भी महिलाएं हैं जिन्होंने आफ्टर डिलीवरी, जो उस सारे लोगों के लिए भी सब चीज़ यही है कि आप अपना बचाव करिए। इसका असर सारे लोगों में हो सकता है, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, युवा हो, कोई भी तबके का लोग है, सब में इसका असर होता है। इनफैक्ट जानवरों में भी इसका असर होता है, लेकिन सिर्फ बचाव ही इसका एकमात्र उपाय है। लेकिन जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं जिनकी इम्यूनिटी कम है, उनको चाहिए कि आप अपने डाइट में ऐसी चीज़ें शामिल करिए जिससे कि आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो सके। क्योंकि जितनी ज़्यादा आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी, चाहे वो किसी भी तबके के लोग हैं, वो शरीर खुद ब खुद उस बीमारी से लड़ जाएगा और आपको एक नया जीवन मिल जाएगा। तो बेहतर है कि आपकी जितनी ज़्यादा इम्यूनिटी पावर जितनी ज़्यादा स्ट्रांग रहेगी, आप किसी भी तरह की बीमारी से लड़कर बच कर निकल आ सकते हैं। तो हो सके तो इम्यूनिटी बूस्टिंग जितने भी फूड्स हैं उनका सेवन करें, जैसे कि आप ड्राई फ्रूट्स को अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं। आप विटामिन सी से जितने फ्रूट्स हैं उनको आप अपने डाइट में शामिल करिए।
प्रॉपरली कैल्शियम का इंटेक लीजिए, प्रॉपरली फोलिक एसिड का इंटेक लीजिए, आयरन का कंटेंट लीजिए, जिससे कि आपका शरीर उतना मजबूत हो सके, WBC सेल्स को प्रोड्यूस कर पाए, जिससे कि एंटीबॉडीज़ जनरेट हो और आपको इन सारे संक्रमण और बीमारियों से बचाया जा सकता है। तो होप आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए, और अगर आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है, तो प्लीज़ वहाँ से मुझे आप फॉलो कर लीजिए, मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।